नमस्कार, आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। सो हियर वी आर विद सो मेनी न्यू वर्ड्स फ्रॉम अल्फाबेट सी। सी से आज हमारे पास बहुत सारे नए शब्द हैं। अगर मान लो इसमें से आपको 15, 20, 30 शब्द आते हैं तो इन सब का आप इस्तेमाल सीखोगे। वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड और इसके साथ साथ आप उनका यूज सीखोगे, इसके साथ साथ आप रिवाइज कर लोगे। ओके, तो हम लोग जो 90 डेज का चैलेंज लिए हैं और दिए हैं तो उसका एक ये क्लास है और हम लोग इस सब सारे शब्द को अपने कॉमन लैंग्वेज से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमको याद हो जाए। आपको पता है कोई भी बड़े से बड़े शब्द उसको तोड़कर याद करो सिलेबल में, अगर तोड़कर नहीं याद हो पा रहा है तो उसको यूज में ला दो अपने डे टू डे लाइफ के। तो हम लोग ये सारे वर्ड डे टू डे लाइफ के यूज से रिलेट करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज काम। काम मतलब होता है शांति, शांति बनाए रखो, बी काम, शांत रहो। बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे जब कोई गुस्सा होता है तो बोला जाता है बी काम, काम। लाइक बुद्धा हैज टॉट सो मेनी मेथड्स टू बी इन काम। बुद्धा बहुत सारे तरीके बताए हैं काम रहने के लिए, शांत रहने के लिए। द नेक्स्ट इज काजोल और कोएक्स। काजोल और कोएक्स मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। वी कैन यूज लाइक एक्ट्रेस काजोल हैज क्वैक्स और कैजोल्ड सो मेनी बॉलीवुड एक्टर्स फॉर अजय देवगन। अजय देवगन के लिए जो कैजोल है बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर को धोखा दे दिए, जोक के लिए यूज किए हैं, डोंट टेक इट सीरियस। द नेक्स्ट इज कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब संकट होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे कैलेमिटी से गुजरे हैं उत्तराखंड में। इन उत्तराखंड देयर आर सो मेनी कैलेमिटीज हैपन आफ्टर एवरी वन ईयर टू ईयर्स वी सी देयर। जैसे एक कैलेमिटी आया था 2013-14 के टाइम में, देर वॉज अ ह्यूज कैलेमिटी इन उत्तराखंड इन ईयर ऑफ 2013 और 2014। ओके, द नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी अलग अलग होता है, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, कास्ट क्रीड ऑल्सो फ्रॉम द सी। तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो वी कैन यूज लाइक फ्रॉम विच कम्युनिटी डू यू बिलोंग, किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो। वैसे हम लोग कम्युनिटी में विश्वास नहीं करते हैं बट द वर्ड इज कम्युनिटी हियर। कैटालॉग्यू, कैटालॉग्यू उसको बोला जाता है जो कोई साड़ी आप खरीदने जाते हो या सूट खरीदने जाते हो, कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, तो जो वो लड़का लड़की पहनकर एक फोटो फ्रेम में उसमें दिखता है कपड़े में, 200-300 का भी साड़ी में वो डाला जाता है कैटालॉग्यू। इससे ये पता चलता है कि ये साड़ी कैसे दिखता है कोई पहनेगा तो। दैट स्पेसिफिक लाइक फोटो इज कॉल्ड कैटालॉग्यू। द नेक्स्ट इज कॉशन, CAUTION। कॉशन मतलब डेंजर होता है, चेतावनी होता है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर पर आपने देखा होगा या बिजली करेंट वाले पोल वगैरह पर कि कॉशन लिखा होता है, डेंजर लिखा होता है और ऐसे का साइन दिया रहता है क्रॉस का रेड में, मतलब वो चेतावनी है, वो खतरनाक है, वहां मत जाओ, वो मत टच करो, दैट इज कॉशन। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब हर्षोल्लास मनाना, लाइक यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी ईयर, आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हो, मनाते हो, दैट इज कॉल्ड सेलिब्रेट। और वी कैन यूज सेलिब्रेशन, वी कैन मेक इट सेलिब्रेशन। एक होता है कॉलिग, कलिग, COLLEAGUE, कलिग मतलब होता है साथी, काम करने वाले लोग, जो साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो कितने का नाम आप बताओगे, तो बोल दोगे कलिग है, ये सारे मेरे कलिग हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, COLLEAGUE, कलिग। ठीक है, कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम होता है, कितना कंफर्ट सिचुएशन है आपका, हाउ मच कंफर्ट डू यू वांट, कितना आप आराम में रहना चाहते हो। आई डोंट वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, मैं आरामदायक जोन में नहीं रहना चाहता हूँ। और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होता है, लाइक दिस इज वेरी कंफर्टेबल चेयर, ये चेयर जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। दिस इज वेरी कंफर्टेबल डेस्क, ये डेस्क बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, कंपेयर, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, एज यू नो डैट यू कम लाइक देर आर सो मेनी पीपल हु कंपेयर यू फ्रॉम योर ब्रदर, फ्रॉम योर सिस्टर, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बहन आपके भाई से तुलना करते हैं। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, ओके, हमेशा आप अपने रहो। कंपैशन मतलब दयालु होता है, विद द कंपैशन हार्ट आई एम गिविंग समथिंग टू यू, बहुत ही दयालु हृदय से, मतलब एकदम बिल्कुल दिल से, दैट इज कंपैशन, मतलब दयालु तरीके से। ओके, बी कंपैशनेट टू द अदर पीपल, किसी गरीब को देखकर आपके दिल में कंपैशन आता है, दयालुता आता है, उनको आप हेल्प करते हो आउट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है,
कंपाइल मतलब इकट्ठा करना होता है. यू आर कंपाइलिंग सो मेनी फोटोज ऑफ न्यूज़पेपर्स इन योर डायरी. बहुत सारे न्यूज़पेपर के फोटोज जो है आप कंपाइल कर रहे हो अपने डायरी में. एंड यू आर कंपाइलिंग सो मेनी पेजेस एट वन प्लेस. तो वैसे भी हम लोग कंपाइल करते हैं. कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही जटिल. लाइक दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. देखो इसको कुछ समझने की कोशिश करो. कुछ समझ में आ रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? दिस इज कॉम्प्लिकेटेड. आवर ब्रेन इज कॉम्प्लिकेटेड. हम लोग अपने दिमाग को नहीं समझ पाए हैं. तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं. जैसे कोई मैथ का प्रॉब्लम है तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. हम बहुत तेज थोड़ा जा रहे हैं तो ट्राई टू कैच मी. हम चाहते हैं कि आपके कम समय में बहुत सारा कंटेंट आपको दे. सो आई स्पीक वेरी फास्ट. कंडेम, कंडेम मतलब किसी भी टॉपिक को आप कंडेम कर रहे हो, उसको आप सही नहीं ठहरा रहे हो. लाइक सो मेनी पॉलिटिशियंस कंडेम सम वायलेंट थिंग हैपन बाय पाकिस्तान. पाकिस्तान से कोई अटैक हो जाता है तो हम लोग सब उसको कंडेम करते हैं. ठीक है, दैट इज कंडेम. इसको सी ओ एन डी ई एम एन एन भी होता है लेकिन एन साइलेंट हो जाता है. दैट इज कंडेम. ओके, अभी हम लोग को उतना प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना है लेकिन थोड़े बहुत तो देना ही होगा ना. We have to give something. Confident. You are a very confident person that you try to speak English in front of so many people. आप बहुत ही confident person हो, बहुत ही आत्मविश्वास से भरे person हो कि आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो बहुत सारे लोगों के सामने. Be confident in your life. आप अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहो. That is called confident. The next is congratulations. CONGRATULATION. Congratulations मतलब अभिवादन, अभिवादन. ओके, congratulations मेरा स्वीकार करो. I congratulate on your birthday. आपका जब भी बर्थडे हो हम उस पर आपको congratulation देते हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक अच्छी बातें आप किसी के लिए बोलते हो. लाइक यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर अ वेरी अवेयर पर्सन. ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. ठीक है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस. ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. कुछ आपको किसी को खुश करने के लिए कुछ बात बोलते हो या सही किसी चीज पे ठहराते हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. करेंट, करेंट तीन तरह से समझो. एक करेंट जो करेंट हमारे बिजली घर में आती है, दैट इज ऑल्सो करेंट. एंड वन करेंट इज लाइक व्हाट इज द करेंट सिनारियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में अभी करेंट इस समय का सिनारियो क्या है, सिचुएशन क्या है. ठीक है, और एक करंट हम लोग बोलते हैं पानी की धारा को. लाइक अपोजिट ऑफ करंट विद द करंट, जो पानी का धारा है उसके साथ चलते हैं तो विद द करंट और उसके खिलाफ चलते हैं तो अपोजिट द करंट. तो दैट इज ऑल्सो करंट. ठीक है, कंटेम्प्रोरी मतलब होता है साथ साथ. ठीक है, कंटेम्प्रोरी मतलब साथ साथ. यू कैन सी लाइक मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी मिस्टर योगी जी इज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश. कंटेम्प्रेरी मिस्टर मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं. और कंटेम्प्रेरी साथ साथ सीएम जो है उत्तर प्रदेश के कौन है, योगी जी. दोनों साथ साथ चल रहे हैं, समकालीन चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. कहाँ है कंटेम्प्रेरी. कंट्रोवर्सी मतलब विवाद में आ जाना. कंगना रनौत लव्स टू बी इन कंट्रोवर्सी ऑल द टाइम. कंगना रनौत जो है कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करती है. ठीक है, वैसे है नहीं ऐसा बात लेकिन वी आर यूजिंग, वी आर फॉर्मिंग द सेंटेंसेस. कहीं ना कहीं ये शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना. कन्वीनियंस मतलब आरामदायक. लाइक दिस फ्लाइट वॉज वेरी कन्वीनियंस. ये जो फ्लाइट था ना, ये जो मतलब एरोप्लेन जहाज से हम उड़कर यहाँ आए ना, वो बहुत कन्वीनियंट था, बहुत ही आरामदायक था. ओके, कट कॉपी, कॉपी कट. कॉपी मतलब ये होता है यहां से आप नकल कर कॉपी कर यहां उतार दो, और कट वो होता है यहां से हटाकर वहां शिफ्ट कर दो, दैट इज कट. ओके, करेज मतलब साहस. योर फादर इज अ वेरी करेजियस पर्सन, योर मदर इज अ वेरी करेजियस वीमेन. तो ऐसे आप यूज कर सकते हो करेज को, साहस को. ठीक है, अगला है कस्टमर. We all are the customers of market. हम लोग मार्केट के कस्टमर हैं. We all are the customers of so many different products. अलग अलग प्रोडक्ट्स के हम लोग कस्टमर हैं. ठीक है, अगला है क्रूएल. क्रूएल मतलब क्रूर होता है, क्रूड, क्रूड मतलब बहुत ही क्रूड इंसान. उसको थोड़ा सा भी दया ना आता हो, कसाई काइंड का. तो लाइक सम पीपल आर वेरी क्रूएल टू द चिल्ड्रन, सम पीपल आर वेरी क्रूएल टू द एनिमल्स. अगर आप चिकन मछली वगैरह खाते हो तो आप भी तो क्रूएल हुए उस एनिमल के प्रति. थिंक अबाउट दैट.
ठीक है। क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब चतुर भी होता है, क्रिटिकल मतलब बहुत ही लाइक क्रिटिकल पोजीशन, लाइक बहुत ही, एक सेकेंड, जैसे मिस्टर वाजपेयी जी हैज सफर्ड वेरी क्रिटिकली इन हिज हेल्थ। मिस्टर वाजपेयी जो थे वो बहुत ही लड़े अपने मौत से, अपने हेल्थ से अंतिम समय में। और क्रिटिकल मतलब चतुर भी होता है, चालाक भी होता है, ठीक है। कनिंग मतलब ये होता है, कनिंग मतलब भी चालाक होता है बट दूसरे तरीका से, धूर्त होता है। कनिंग मतलब धूर्त और क्रिटिकल मतलब चतुर भी होता है, ठीक है। एक एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं अलग अलग जगह पर यूज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा आप ना मानो कि जो हम बोल दे रहे हैं वही सब सही है, उसको आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे करंट को हम लोग तीन जगह पे इस्तेमाल किए ना, करंट अफेयर्स, करंट जो हमारे घर में आता है, करंट पानी का धारा, तो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, लाइक हाउ दिस न्यूज इज क्रेडिबल टू द रेलिवेंसी। ये जो न्यूज आप बता रहे हो कितना ये क्रेडिबल है, या क्रेडिबल एजेंसी कुछ होती है, विश्वसनीय एजेंसी होती है जो अपना रेटिंग्स देती है, वहां भी क्रेडिबल इस्तेमाल होता है। अगला है कोवर्ड, कोवर्ड मतलब होता है डरा हुआ इंसान, डरपोक इंसान, कोवर्ड। आई एम नॉट अ कोवर्ड पर्सन, मैं एक कोवर्ड पर्सन, मैं डरा हुआ इंसान नहीं हूं। कॉमन मतलब आम आदमी, वी आर कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री, हम लोग आम आदमी है। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, आप एक कॉमन इंसान के पावर को समझो। वी हैव वोट, ओके, दैट इज द पावर ऑफ आवर। कनिंग मतलब वही CUNNING, कनिंग मतलब धूर्त होता है। आपके भी जीवन में बहुत सारे कनिंग पीपल होंगे आसपास, देखिएगा, बच कर रहिएगा उनसे। सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल। कॉन्स्टेंटली सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज कनिंग पीपल। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार होता है, लाइक यू कैन सचिन तेंदुलकर हैज मेड 5 कॉन्स्टेंट लाइक हाफ सेंचुरी या सेंचुरी। जो सचिन तेंदुलकर हैं वो 5 लगातार हाफ सेंचुरी बनाते हैं अपने क्रिकेट करियर में, दैट इज कॉन्स्टेंट। और कंसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, कॉन्स्टेंट मतलब और कंसिस्टेंट मतलब एकदम लगातार, ठीक है। दिस इज द कंसिस्टेंट, ये एकदम लगातार है, ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंट। कैप्चर होता है, कैप्चर लाइक अपने में फोन में कैप्चर करना, ले लेना आप उसको, आपने सेव कर लेना, दैट इज कॉल्ड कैप्चर। जैसे आप बहुत सारे सीनरी को कैप्चर कर लेते हो अपने फोन में, दैट इज कॉल्ड कैप्चर, ठीक है। केयर फ्री, बिना कोई केयर के, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू लिव फॉर सम डेज विदाउट एनी केयर, एकदम केयर फ्री, लाइक यू डोंट केयर योर स्किन। आप स्किन केयर करते हो या नहीं, लड़कियां स्किन केयर बहुत ज्यादा करती हैं, वी हम लोग तो क्या, बस एक नहा लेते हैं, अपने बाल को कंघी कर लेते हैं और आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड केयर फ्री, आवर स्किन इज केयर फ्री, हमारा जो स्किन है ना वो केयर फ्री है, कोई केयर उस पर नहीं होता है। केयरफुल मतलब बहुत ज्यादा केयर होता है, सो मेनी गर्ल्स लिव इन द केयरफुल वे, बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं बहुत केयरफुल तरीके से रहती हैं। They all take care of their skin. They are very careful girls. You can use that. Catch मतलब रोकना होता है. Like you have misfield here, you have missed the catch. जो ball आ रहा था उसका catch आपने miss कर दिया. Cause मतलब कारण होता है. Cause notice कभी कभी जारी किया जाता है किसी किसी ऑफिस में, आप मूवीज वगैरह में देखे होगे, कभी भी कहीं भी देख रहे हो कुछ तो सीखने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो और वहां से अपने इंग्लिश को थोड़ा सा एक बूस्टअप करने की कोशिश करो। हम लोग इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं, जहां जो भी जैसा भी देख रहे हैं उसको रिलेट करें और उसको बोलने की कोशिश करें। सेलिब्रिटी आपको पता ही है, मिस्टर मोदी इज सेलिब्रिटी ऑफ आवर कंट्री। मिस्टर मोदी जो है हमारे देश के सेलिब्रिटी है। अमिताभ बच्चन इज द सेलिब्रिटी ऑफ बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन है जो बहुत भारी भरकम लोग होते हैं उनके लिए सेलिब्रिटी यूज किया जाता है। सेलिब्रेसी जो शादी नहीं करते हैं, जो किसी लड़की या लड़का से संबंध नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मचारी लोग, तो उनके लिए सेलिब्रेसी बोलते हैं। जैसे जैन धर्म में सेलिब्रेसी का बहुत महत्व है, जैन धर्म में सेलिब्रेसी का बहुत महत्व है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे सेलिब्रेसी, जो शादी नहीं किया हो, जो संबंध नहीं बनाया हो। सर्टेन मतलब एकदम फिक्स्ड, सर्टेन, दिस इज द सर्टेन अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर स्पेंडिंग, यही आपका खर्च होने वाला है। सर्टेन मतलब निश्चित, ओके, सर्टेनिटी मतलब निश्चित तरीके से, सर्टेनिटी, आई एम वेरी सर्टेन अबाउट दैट थिंग एंड दिस इज वेरी सर्टेनिटी, ठीक है, ये बहुत होने वाला है। चांस मतलब मौका,
चांस पे डांस मारे ले, ऐसा कोई गाना है। चेंज मतलब आप चेंज कर देना, बदल देना, दैट इज चेंज। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फोन, जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब उसकी क्या क्या लाइक वो यू कैन से लाइक यूजफुल क्या क्या पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिए बोल सकते हैं। एग्जैक्टली हिंदी वर्ड हमको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट ऐसे ही कुछ होते हैं। चैरिटेबल, जो हम लोग दान दक्षिणा करते हैं, दान देते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिटी एंड चैरिटेबल। एंड द नेक्स्ट इज चार्म, चार्म मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग मतलब बहुत ही अच्छा मनोहर दृश्य, दिस इज वेरी चार्मिंग सीनरी, दिस इज वेरी लाइक यू कैन से the child, that all child and children, girls, boys are very charming in the nature, in the face structure and all, वो सारे charming होते हैं, बहुत मनोहर होते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, देखकर बहुत ही दिल से अच्छा फील होता है, तो वो बहुत उनका चेहरा और thoughts charming होते हैं। चीप मतलब बहुत ही सस्ता, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे चीप बिहेवियर, योर बिहेवियर इज सो चीप, आपका जो बिहेवियर है बहुत ही गंदा है, इसको ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, और चीप मतलब सस्ता भी होता है। आई हैव परचेज दिस बोर्ड इन वेरी चीप, एट वेरी चीप अमाउंट, बहुत सस्ता हम करते हैं। चीयरफुल मतलब खुशी मनाओ, बी चीयरफुल, बी काम, बी चीयरफुल, आप खुशी मनाते रहो, ठीक है। चांस रिपीट हो गया है दोबारा, चांस यहाँ भी था, चांस यहाँ भी है, डोंट वरी। चांस आपको पता है, करियर देखो यहाँ करियर दो है, एक CERER होता है, करियर मतलब होता है आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे या क्या करोगे, व्हाट इज योर करियर, ठीक है, जीने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करियर, ठीक है, रोजगार यू कैन से। एंड एक होता है कैरियर, कैरियर कैरियर CERER कैरियर, मतलब जो हमारे साइकिल के पीछे कैरियर होता है ना, जिसपे हम लोग कुछ बांध कर ले जाते हैं, कुछ कैरी कर ले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैरियर, ठीक है। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, लाइक हैव यू एवर क्लाइंब ऑन द माउंटेन और नॉट, कभी किसी माउंटेन पर आप चढ़े हो या नहीं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंब, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है मंत्री परिषद, ठीक है, काउंसिल मीटिंग्स वगैरह आप हमेशा न्यूज़पेपर में देखते होंगे, दैट इज कॉल्ड काउंसिल। एक होता है कोर, इसको भी कोर बोलते हैं, ठीक है, ये मंडली के लिए हम बोलते हैं कोर, सिंगर्स कोर, सिंगर का जो मंडली होता है, ओके। या एक होता है कोर मतलब घर का जो काम काज होता है, जैसे किचन का काम काज आप करते हो, तो उसके लिए भी हम लोग कोर यूज करते हैं वर्ड। और एक होता है साथ में कोर और, CORE, कोर मतलब मेन होता है, दिस इज द कोर रीजन, दिस इज द कोर एरिया ऑफ यू कैन से कोल, जो कोल कोयला होता है उसका ये कोर रीजन है। आप बोल सकते हो व्हाट इज द कोर ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री, आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है ऑनर्स पेपर क्या है, तो उसके लिए भी आप कोर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मेन पार्ट क्या है, कोर रीजन क्या है, दिस इज द कोर रीजन। आप अर्थ को भी डिवाइड करोगे, नीचे जाओगे जाओगे तो एक कोर रीजन आता है, मेन पार्ट आता है अर्थ का, जो एकदम पॉइंट पर रहता है, ठीक है। क्रिटिक्स मतलब आपको पता ही है, जो फिल्मों को हमेशा आपके ये करते हैं, सॉरी पसीना आने लग रहा है बिकॉज आई डोंट हैव एसी। जो क्रिटिक्स होते हैं, जो हमारे किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, उनको क्रिटिक्स बोला जाता है, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉप्स मतलब सौ होता है, जो डेड बॉडी होते हैं उनको हम लोग कॉप्स बोलते हैं, CORPSE कॉप्स, ठीक है। एक क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स मतलब जो फसल हमारे खेतों में लहलहा होते हैं, लहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स। एवरीवेयर देयर इज इंग्लिश, यू कैन यूज इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। If you want to speak English, village English, then speak village English, but speak. गांव वाली English भी बोलो, लेकिन बोलो जरूर। Confirm, confirm मतलब आपको पता ही है, confirm news है ये, मतलब एकदम सही news है ये। CONFIRM होता है, FIRM होता है, CONFIRM. Confirm मैं आ रहा हूँ, confirm मैं जा रहा हूँ, confirm मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। Conquer होता है, conquer मतलब जीत लेना, okay? Conquer मतलब जीत लेना। You can say that Ashoka has conquered whole pan India from you can say Myanmar to Afghanistan. Ashoka has conquered whole India. वो पूरा इंडिया को उन्होंने जीत लिया था। Ashoka has conquered you can say Kalinga युद्ध, Kalinga war, Kalinga war को conquered कर लिए थे Ashoka, ठीक है। Civil मतलब नागरिक होता है। You have listened so many times.
आई डू सिविल जॉब, मैं नागरिक जॉब करता हूँ, मैं कोई आर्मी वगैरह में नहीं करता हूँ, मैं सिविल जॉब सिविल नौकरी करता हूँ, मतलब लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों वाले ही जॉब करता हूँ, 9 to 5 वाला जॉब करता हूँ, जो सुबह 9 बजे से चालू होती है और शाम में 5 बजे खत्म, ठीक है। कंसोल, कंसोल मतलब किसी के साथ कुछ गलत दुर्घटना हो जाता है तो उसको आप अपने संवेदना प्रकट करते हो, तो फॉर दैट वी यूज कंसोल। लाइक कहीं कभी एक्सीडेंट हो गया तो उनके माता पिता को आप कंसोल करने जाते हो, या कहीं ट्रेजेडी हो जाता है तो वहां कंसोल करने जाते हो। तो दीज ऑल आर द वर्ड्स फ्रॉम द अल्फाबेट सी, एंड द नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ अल्फाबेट डी। डी से हम लोग बहुत सारे नए शब्द पे डिस्कस करेंगे। So this all class are going to be very interesting. Please be with me and learn so many new words. Use them in your day-to-day life and take a screenshot of all the words. It will be very easy to you. And that's all for today. Let's meet tomorrow with a new video. Jai Hind, Jai Bharat.